हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक साड़ी ट्रैप स्कर्ट के ऊपर। आप चाहें तो इसे नॉर्मल साड़ी जैसे भी पहन सकते हैं, बस पल्ले में मैं थोड़ी सी वेरिएशंस बताऊंगी। और इस तरीके से मैंने इसे स्कर्ट पे ट्रैप किया है। और शिफॉन साड़ी में जो जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है पल्लू प्लीट्स बनाने में, उन सब के बारे में हम टिप्स शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ऑरेंज कलर की जॉर्जेट साड़ी को आज मैं ड्रैप करने वाली हूँ और इसे मैं पहनने वाली हूँ इस स्कर्ट पे। ये काफी स्टिफ है, गोल्डन कलर के एक स्टिफ मटेरियल से मैंने ये बनाया है स्कर्ट। तो इसके ऊपर मैं ये साड़ी ड्रैप करके बताने वाली हूँ आपको। अभी जो साड़ी मार्केट्स में मिल रही है उनमें बॉर्डर इस तरीके से लगी हुई आती है, बिल्कुल भी परफेक्ट फिनिश नहीं होता है। ये देखिए, आप 2500-3000 की साड़ी भी आप लेते हैं तो उसमें इस तरीके से परफेक्ट फिनिश नहीं होता है, तो उसका पल्लू प्लीट्स बनाने में हमें बहुत मुश्किल होती है। तो उसी के लिए मैंने ये तरीका निकाला है, आप भी चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। इस तरीके से आप अपनी साड़ी को उल्टा पल्लू वाले पार्ट पर ऐसे उल्टा फोल्ड कर लीजिए। डबल फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर उसकी जो बॉर्डर जितनी विड्थ है वहां पर आप इसे सेफ्टी पिन से इस तरीके से लगाइए, ये दोनों बॉर्डर आपस में मर्ज दिखे। इस तरीके से ये मर्ज हो जाएंगे। अब बैक साइड से आपको प्लीट्स बनाना स्टार्ट करना है। प्लीट्स बनाने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो बाहर वाली जो बॉर्डर है उससे आपकी जो प्लीट्स है वो छोटी हो। यानी इस तरीके से देखिए, बॉर्डर जो अपर बॉर्डर है वो बाहर की तरफ रहेगी। दोनों तरफ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो बॉर्डर हो वो बाहर बड़ी हो और नीचे की जो प्लीट्स है वो छोटी हो। अब इस तरीके से आप उसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए। सेफ्टी पिन से सिक्योर मैंने इस तरीके से किया है, आप देखिए ऊपर से, क्योंकि वर्क हैवी है तो आप ऐसे वर्टिकल पिन वहां पर लगा सकते हैं। अब इस तरीके से अटैच करने के बाद आप साड़ी को अच्छे से अरेंज कर लें झटक के, और इस ऊपर वाले पार्ट को आप कहीं पे भी हैंगर में भी टांग सकते हैं, फिर किसी की हेल्प ले सकते हैं, या फिर जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे रख कर आप प्लीट्स को ऐसे अरेंज करते हुए जितना पल्लू की लेंथ हमें चाहिए वहां तक इसी तरीके से बॉर्डर को पिन से आपको सिक्योर करते जाना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन पल्लू आपका बहुत परफेक्ट लगेगा और उसकी जो लेस ऊपर आ जाएगी वो आपकी साड़ी को और भी हैवी लुक दे देगी। तो अब देखिए, आपने बैक साइड से इस तरीके से पिन से इसे आप सिक्योर करते जाइए। इस तरह से मुझे ऐसे 4 पिन लगाने पड़े। आप साड़ी के बीच वाले पार्ट को ऐसे ही अरेंज करते हुए और लेस को पास लाते हुए बैक साइड से प्लीट्स को अरेंज करते हुए सेफ्टी पिन लगाते जाइए। 3-4 पिन आपको लगेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से पल्लू को बना करके भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस दिन जाना है उसी दिन आप इस तरीके से अरेंज करें, तो जिस दिन भी आपको फ्री रहें आप इस तरीके से बना करके रख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से लेस बहुत ही इम्परफेक्टली लगी हुई है, आप देख रहे होंगे कितने साल आ रहे हैं। लेस टाइट हो जाती है और कपड़ा अंदर लूज रहता है जॉर्जेट का, तो वो प्लीट्स बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनती है। मुझे ये सब प्रॉब्लम आई तो इसीलिए मैं आपसे ये टिप्स शेयर कर रही हूँ। होप आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा कि नहीं तरीका। तो ये देखिए, मैंने पल्लू प्लीट्स बना करके रेडी कर लिए हैं, बैक साइड में पिन लगा लिए हैं और दोनों बॉर्डर्स पास में आ गई है, तो ये साड़ी को काफ़ी हैवी लुक देगी आपके पल्लू प्लीट्स को। और इस तरीके से अब आपको इसको अपने लेफ्ट शोल्डर पर डाल लेना है और सामने वेस्ट पे जो एरिया आ रहा है यहाँ तक मैंने इसे पिन लगाई है। और अब आपको जैसे आपके नॉर्मल साड़ी ड्रैप करते हैं उस तरीके से आप चाहें तो ड्रैप कर सकते हैं, नहीं तो स्कर्ट लहंगे या फिर सिल्क पैंट्स पे भी आप इसे कैरी कर सकते हैं। मैं इसे स्टिफ लहंगे पर पहनने जा रही हूँ, ये गोल्डन शिमर स्टिफ लहंगा है। और इस तरीके से आप बस जहाँ पर इसके अपर बॉर्डर का वर्क खत्म होता है वहीं से मैं प्लीट्स बनाना स्टार्ट करूँगी और पूरी साड़ी जो बची हुई है पूरी की मैं प्लीट्स बना लूँगी। आप अपने अगर स्कर्ट एरिया में कम फ्लेयर चाहते हैं तो आप इसके ब्रॉड प्लीट्स बना लीजिए, कम से कम प्लीट्स बनाइए, 6-7 प्लीट्स ही बनाइए। या फिर अगर आपको फ्लेयर ज़्यादा नीचे अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से काफ़ी सारे इसके नैरो प्लीट्स बना करके भी इसे इस तरीके से टक कर सकते हैं। बस आपको इनको थोड़ा सा फैला लेना है। इस तरीके से फैलाते हुए आपको अपने सेंटर से लेकर के अपने लेफ्ट हैंड तक इसे इस तरीके से टक कर लेना है। बस अब आपको पल्लू वाले पार्ट को लेना है और इस तरीके से टर्न करते हुए अपने लेफ्ट शोल्डर पर डाल लेना है। लेफ्ट शोल्डर पे डालने के बाद उसे आप अपने ब्लाउज के साथ अटैच कर लें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप ब्लाउज से जब उसे अटैच करें तो बैक साइड में 3-4 इंच पीछे की तरफ पिन से सिक्योर करें। ये आपका फर्स्ट लुक कंप्लीट हो गया। अब सेकंड लुक के लिए आपको क्या करना है कि पल्लू को इस तरीके से लेकर राइट शोल्डर पे बैक साइड से लेना है, यानी जैसे गुजराती पल्लू में हम लेते हैं, बस ऐसे सामने कर लेना है और एक वेस्ट बैंड मान लेना है, तो ये आपका सेकंड लुक कम्प्लीट हो जाएगा। इस तरीके से इसकी प्लीट्स देख रहे होंगे, आपकी परफेक्ट लग रही है और बैक साइड से भी इसमें बहुत अच्छे रिंकल्स आते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड लुक। और थर्ड लुक के लिए हमें क्या करना है, इसी पल्लू को हमें
थोड़ा सा छोटा रखना है। पल्लू को हम पीछे की साइड पे शिफ्ट कर देंगे और आगे हमें इसे नी तक बस रखना है। ऐसे छोटे रखते हुए आप इसका जो बाहर वाला बॉर्डर है उसे बैक साइड में ऐसे सेंटर में टक कर लेना है। सेंटर में टक करने के बाद आप बॉर्डर को ऐसे स्ट्रेट करते हुए आगे लेकर आइए और आगे ला करके उसे अपनी जो ऊपर की बॉर्डर है उन्हें ठीक से अरेंज करते हुए इस तरीके से जो ऊपर वाली बॉर्डर है उसके नीचे करके उसे सेफ्टी पिन से यहाँ पीछे की तरफ से सिक्योर कर लीजिए। तो बस इसी तरीके से आपका थर्ड लुक भी रेडी हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि तीनों लुक में से आपको कौन सा लुक सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और इन तीनों ही स्टाइल में आप सिर पे पल्लू भी ले सकते हैं। अगर आपको घूंघट रखना होता है सिर पे तो आप ये इस तरीके से भी अपने साड़ी को कैरी कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट स्टाइल में साड़ी ट्रैपिंग देखने के लिए अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल साड़ी ट्रैपिंग देखना, कोई स्टाइल अगर आपको देख के पसंद आया वैसा स्टाइल बनवाना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिक भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल साइड में ब्लिंक हो रहा है, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल के फर्स्ट गिव अवे कॉन्टेस्ट में भी आप अगर चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने आई बटन में वो लिंक डाल दी है, आप देख रहे होंगे राइट साइड पे स्क्रीन पे जो लिंक आ रही है आप उसे क्लिक करके कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके रूल्स वहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाले हैं तो आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।